हेलो बियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं फैमिली बताने जा रही हूँ कि आज मैं बना रही हूँ शुद्ध घी। घर पे कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए लिया हुआ है मैंने 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध को बॉईल कर लिया था, बेसिकली 1.5 लीटर दूध था, उसमें से मैंने थोड़ा यूज़ किया हुआ था, 1 लीटर दूध बचा, उसको बॉईल कर लिया है। बॉईल अच्छे से करेंगे, एक दो उबाल आने के बाद स्लो फ्लेम करके उसको अच्छे से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। उसके बाद से जो दूध है उस दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर होने के बाद इसको हम फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज में जब रखेंगे तो इसका जो ऊपर का मलाई है वो मोटी परत में जम जाएगी। उसके बाद से लिया हुआ है, एक मैंने टिफ़िन लिया, टिफ़िन के अंदर 2-3 चम्मच दही डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद से जो दूध का मलाई है उसे निकाल के हम टिफ़िन में स्टोर कर लेंगे। तो ये 3 दिन का मलाई है और आज मैं बना रही हूँ, तो इसको आज का भी मैंने मलाई निकाल के इसी टिफ़िन में निकाल लूँगी। तो आज का भी दूध के मलाई मैंने निकाल लिया और इसी टिफ़िन में रख दिया। इस मलाई से चाहें तो आप बटर बना सकते हैं, चाहें तो आप घी बना सकते हैं। तो मैं घी बना रही हूँ। अगर आप लोगों का ये प्रोसेस अच्छा लगेगा तो मैं आपको मलाई से बटर बनाने के लिए भी रेसिपी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ये सारा मलाई इकट्ठे हो गए हैं, इसको मैं टिफ़िन को बंद करूँगी, देन मैं रख दूँगी फ्रीज में। फ्रीज में रखने के बाद सुबह में रखें, फिर मैंने निकाला और उसके बाद से ऐसे लेंगे एक तसली, आप चाहे पतीला भी ले सकते हैं। उसके बाद से ये जो मलाई है इस मलाई को हम इस तसली में डाल देंगे, इस हांडी में डाल देंगे। देख रहे हैं ये पूरा ही मलाई है। उसके बाद से हम लेंगे ऐसे फूल वाली, इसको हमारे यहाँ रही बोलते हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है। तो इसको मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि घी जो है वो नॉर्मली किसी भी चीज़ में, पूजा या व्रत में खा लेते हैं हम लोग। इसको वॉश कर लिया, अच्छे से धो लिया। धोने के बाद हम इस रही से ही हम इसको ऐसे मथेंगे। बहुत अच्छे से जो मलाई है उसको फेंट लेंगे, बहुत ही अच्छे से फेंटेंगे, कम से कम 10 मिनट तक। अभी देख रहे हैं जो मलाई है वो मलाई दूध के फॉर्म में अभी दिख रहा है। इसी तरह हम जब मथते रहेंगे इसको, मतलब अच्छे से फेंटेंगे, तो ये धीरे 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 ये मक्खन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि वो दूध ऐसे मैंने रही को मथने के बाद, 10 मिनट मथने के बाद ये इस कंसिस्टेंसी में बन गया है। दैट मीन्स कि मक्खन 50% बन के तैयार है, इसमें हो चुका है, मक्खन निकल ही जाएगा अब। जब तक इस फॉर्म में ना आ जाए तब तक इसको हम रही से मथते रहेंगे, इसको रही से मतलब फेंटते रहेंगे, जब तक इसमें से पूरा अच्छी तरह से मक्खन ना आ जाए। अब वो थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में था, अब ये पतले में हो गया। इसमें जब हम पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल मक्खन सेपरेट हो जाएगा और छाछ बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं बिना पानी डाले ही ये छूटने लगा, इसमें से मक्खन सेपरेट होने लगा। देखिए, क्योंकि मक्खन जो छाछ है वो नीचे सेपरेट होने लगा और मक्खन अलग ही हटने लगा। ये बन के मक्खन बन बिल्कुल जो दूध से, दूध की मलाई थी, मलाई से मक्खन बन के तैयार है। अब इस जगह पे हम डालेंगे इसमें पानी। पानी जितना भी, मतलब जितने पतला में आपको छाछ चाहिए उतना पानी आप डालिएगा। तो इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। देख सकते हैं कैसे मक्खन एकदम बन के तैयार है। अगर
दो ग्लास, दो छोटे ग्लास में इसमें पानी डाल रही, 200 ml का ग्लास है ये। इससे मैंने 2 ग्लास पानी डाला। पानी डालने के बाद थोड़ा सा और इसको हम फेटेंगे, मतलब मथेंगे इसको, तो जो मक्खन है वो और सेपरेट हो जाएगा, इजीली निकाल लेंगे हम इसको। तो अगर घी बनाने का प्रोसेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुँच जाए। तो बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में। इसको ये देख रहे हैं कि जो छाछ है वो सेपरेट हो गया और जो मक्खन है वो सेपरेट हो गया। अब मैंने लिया एक कढ़ाई, जिस भी बर्तन में आपको गर्म करना है उस बर्तन में इस मक्खन को निकाल के रख लेंगे। हाथ को अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद से हम जो भी मक्खन है इसको हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। देख सकते हैं अगर आप लोगों को ये प्रोसेस अच्छा लगा, क्योंकि ये शुद्ध गाय का दूध आता है, तो गाय के दूध से शुद्ध देसी घी निकाल लेंगे हम घर में ही। मार्केट के कैसे मिलावट वाले मिलते हैं कैसा, हम तो देखने जाते नहीं हैं। और ये जो लकड़ी का है इसे रही बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये सारे मक्खन मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए, चाहे तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी आप गैस पे गरम कर सकते हैं। अब ये देखिए लस्सी भी बन के तैयार है और लस्सी में भी अभी बहुत सारे मक्खन पड़े हुए हैं, वो भी मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए 200 ml ग्लास में इतना अभी मक्खन पड़ा हुआ है। अब मैंने इंडक्शन को ऑन किया और ये जो मलाई था, सॉरी मक्खन था, इसको हम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं टेम्परेचर बहुत ही लो करके रखी हुई, लो पे ही इसको हम पकाएंगे। जैसे ही इसका कलर वाइट से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लेम को हम बढ़ा देंगे। जैसे ही घी जो है वो येलो कलर में आ जाएंगे और नीचे की जो इसकी मलाई जो जल के वो ब्राउन में आ जाएगा, गोल्डन में आ जाएगा, उसके बाद से हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये घी गर्म है, इस वजह से ये जो नीचे की मलाई है ये और भी डार्क हो जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा लाइट रहेगा तभी गैस को बंद कर देंगे। अब ये जो मलाई, ये जो इसकी बीच की खखोड़ी बची हुई है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ करेंगे और बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है और इसको मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि इसको क्या करेंगे। कढ़ाई को मैंने ऐसे टर्न किया और जो नीचे बचा हुआ था, नीचे खखोड़ी, उसको भी हमने ऊपर कर लिया और उसमें से जितने भी घी है वो नीचे आ जाएंगे। अब वो जो खखोड़ी बचा है उसको भी मैं कटोरी में, बॉल में निकाल लूँगी। अब ये जो घी है इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 200 ml का कांच का ग्लास में, मेरा कैमरा ऊपर से था इसलिए वो बिल्कुल ही छोटा दिख रहा है। एक किलो दूध की 4 दिन के मलाई बचा के आप 200-250 ग्राम घी निकाल सकते हैं एक बार में। तो देखिए है ना शुद्ध बिल्कुल देसी घी, घर पे बन के आपके सामने ही मैंने बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। घी बन के तैयार। और ऐसे ही मैंने घी बना के मैंने एक कांच के कंटेनर में करीब 1.5 लीटर मैंने घी
स्टोर कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग इस पास में सामने। अब ये जो बचा हुआ है उसकी खकोड़ी छुरी नीचे से बचा हुआ था गोल, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। जितना भी मीठा आपको चाहिए उतना आप इसमें डाल के इसको मिक्स करके और खाएंगे। यकीन मानिए ये इतना टेस्टी लगता है ना, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ।